सीएसके ने जिस खिलाड़ी पर लिया था बड़ा रिस्क, वही खिलाड़ी हो गया टाई टाइफिस। न गेंदबाजी में दिखाया हुनर, न बल्लेबाजी में किया करिश्माई प्रदर्शन, अब पछता रही फ्रेंचाइज। टीम को ही नहीं फैंस को भी इस खिलाड़ी पर था बड़ा गुमान, लेकिन साबित हुआ विलेन। तुमसे नहीं होगा, वापस अपने घर लौट जाओ, फैंस ने इस तरह के दिए रिएक्शन। आईपीएल 2023 के मिनी ऑक्शन में सभी फ्रेंचाइज ने अपनी समझ के आधार पर महंगे और अच्छे खिलाड़ियों पर दाव खेला, लेकिन किसको हीरा मिला और किसके हाथ खोटा सिक्का लगा, इसका फैसला मैदान पर शुरू हो चुका है। आईपीएल के पहले मैच में सीएसके का प्लेयर खोटा सिक्का साबित हुआ। फ्रेंचाइज ने इस प्लेयर को मोटी रकम देकर खरीदा था। फ्रेंचाइज की सोच थी कि ऑलराउंडर खिलाड़ी न सिर्फ बल्ले से बल्कि गेंद से भी कमाल करेगा, लेकिन सीएसके के पहले मैच में ऐसा कुछ नहीं हो पाया। ये खिलाड़ी पहले मैच में विलन साबित हुआ, इसको लेकर फैंस में सोशल मीडिया पर काफी आक्रोश देखा गया। हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे खिलाड़ी कौन है और इस पर फैंस की नाराजगी क्यों है। दरअसल शुक्रवार को आईपीएल के 16वें सीजन का पहला मैच गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला गया। इसमें पांड्या की पलटन ने धोनी सेना को चित कर दिया। इसके बाद फैंस का आक्रोश चेन्नई सुपर किंग्स के सबसे महंगे प्लेयर पर भड़क उठा। बता दें कि इस बार चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल के मिनी ऑक्शन में 16 करोड़ 25 लाख रुपए में इंग्लैंड के ऑलराउंडर प्लेयर बेन स्टोक्स को खरीदा था। इसके पीछे फ्रेंचाइज की बड़ी मंशा थी। बेन स्टोक्स को खरीदने के पीछे फ्रेंचाइज का पहला नजरिया ये था कि ये प्लेयर ऑलराउंडर है, बल्ले के साथ गेंद से भी कमाल करने की क्षमता रखता है। फ्रेंचाइज का दूसरा मकसद ये था कि महेंद्र सिंह धोनी के जाने के बाद टीम को बतौर कप्तान एक सीनियर प्लेयर की जरूरत थी। फ्रेंचाइज के मन में ये बात कहीं ना कहीं जरूर थी कि महेंद्र सिंह धोनी के संन्यास लेने के बाद बेन स्टोक्स को ये बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। लेकिन मिनी ऑक्शन के बाद बेन स्टोक्स को लेकर कई बड़ी बातें सामने आई, जिससे एक के बाद एक करके सारे सपने टूट कर बिखर गए। पहली ये कि आईपीएल 2023 के आखिरी चरण में बेन स्टोक्स फ्रेंचाइज के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। वजह यह है कि इंग्लैंड में होने वाली एशियाई सीरीज का वो हिस्सा है। दूसरी बड़ी खबर उनके स्वास्थ्य को लेकर सामने आई, जिसमें यह बताया गया कि वो आईपीएल के 16वें सीजन में शामिल जरूर होंगे, लेकिन गेंदबाजी कर पाने में सक्षम नहीं होंगे। ये भी फ्रेंचाइज और फैंस ने बर्दाश्त किया। अब जब शुक्रवार को गुजरात टाइटंस के साथ पहला मैच खेला गया तो 16 करोड़ के बेन स्टोक्स 16 गेंद भी नहीं खेल सके। वो 6 गेंद पर 7 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। स्टोक्स ऐसे समय पर आउट हुए जब टीम को एक पार्टनरशिप की जरूरत थी। इस पर फैंस का गुस्सा भड़क उठा। फैंस कहने लगे कि इस प्लेयर पर फ्रेंचाइज ने गलत दाव खेल दिया, न ये कप्तानी करने की हालत में है और न ही ये गेंदबाजी कर सकते हैं, बल्लेबाजी इनसे हो ही नहीं रही। तो फ्रेंचाइज ने इस खिलाड़ी को क्या सिर्फ मैदान में खड़ा करने के लिए 16 करोड़ 25 लाख रुपए दे दिए। चेन्नई सुपर किंग्स के हार जाने के बाद फैंस बेन स्टोक्स को कोसते दिखे। सोशल मीडिया पर बेन स्टोक्स काफी ट्रोल हुए। बता दें कि स्टोक्स आईपीएल 2021 के बाद पहली बार खेलने उतरे हैं। उन्होंने आईपीएल 2021 में कुल एक ही मैच खेला था। स्टोक्स अभी तक आईपीएल के 43 मैचों में 920 रन बना सके हैं और 28 विकेट हासिल किए। इस साल इंटरनेशनल क्रिकेट में स्टोक्स ने शानदार प्रदर्शन किया है। यहां तक कि इंग्लैंड को T20 वर्ल्ड कप 2022 जिताने में स्टोक्स ने अहम रोल अदा किया था, लेकिन आईपीएल के पहले मैच में उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस को निराश कर दिया।